इस वीडियो में जानेंगे एल्डिहाइडों के कठिन आयु पेशी नाम जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपके सामने हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड का CHO ये होता है क्या, इसका ग्रुप का नाम होता है CHO, एल्डिहाइड इसको बोलते हैं। इसका जो है हम यहाँ पे संरचना सूत्र भी बना देते हैं, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये रहता है, ये है इसका। तो अनुलग्न क्या होता है? इसका अल होता है और पूर्वलग्न एल्डो होता है। आयुपेशी नाम जब लिखेंगे तो कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उसका एल्क लिखेंगे यानी एल्केन लिखेंगे और उसके बाद अल जुड़ेगा तो एल्केनल बनेगा। तो आइए देखते हैं, हमारे पास में ये पहला प्रश्न है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। याद रखेंगे कि हम हर बार काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह अर्थात CHO की तरफ से ही करेंगे। तो यहाँ 1, 2, 3 और ये 4, तो कितने कार्बन श्रृंखला में कार्बन है? 4। इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन। और एक नंबर पे अल लगा है तो इसको मैं एक में लिख लूंगा क्या, ब्यूटेनल, या फिर लिख दूं ब्यूटेन वन अल या ब्यूटेनल, ये हो जाएगा इसका। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो इसको ब्यूटेन और एक एक ही एक नंबर पे अल लगा है तो ब्यूटेन वन अल भी लिख सकते हैं, और अगर एक में मिला के लिखें तो ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा, दूसरा हमारे पास CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और यहाँ पे CH3। यहाँ भी काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? CHO की तरफ से। और जो 1, 2, 3, 4 कार्बन श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है कार्बन भी मिले, तो 4 कार्बन है। लेकिन देखते हैं दो नंबर पे एक हमारा जो है यहाँ पे लगा है, हमारा पार श्रृंखला जुड़ी हुई है तो दो नंबर पे मेथिल है, जिसका नाम देंगे दो नंबर पे मेथिल, 2-methyl। उसके बाद कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूटेन। और फिर एक नंबर पे अल, तो एक नंबर पे यहाँ पे जो है अल रहने वाला है, एक नंबर पे अल, यहाँ पे अल है तो ये हो जाएगा 2-methylbutanol भी कह सकते हैं, क्योंकि एक नंबर लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2-methyl butanol भी लिख सकते हैं। देखते हैं अगला, अगले में क्या है हमारा? CHO CH2 सिंगल बॉन्ड C और 2 CH, इधर CH3 जुड़ा है, इधर CH2 CH3 जुड़ा है, इधर CH2 CH3 जुड़ा है। तो हम देखेंगे CHO हमें दिखा, इधर से काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, अब इधर चलें 4, 5, चाहे इधर चले जाएं तो 4 और ये 5, तो 3 नंबर पे एक मेथिल लगा और 3 नंबर पे एक एथिल भी लगा, ये C2H5 लिखा है, C2 और H5 यानी ये इतना एथिल है। तो अब देखो पहले मेथिल आएगा कि एथिल आएगा, तो ABCD की जब काउंटिंग करते हैं तो पहले ABCDE आता है तब यम आता है, तो एथिल पहले लिखेंगे तब मेथिल, तो 3 नंबर पे एथिल है तो यहाँ लिखेंगे 3 एथिल, और 3 नंबर पर ही मेथिल है तो 3 मेथिल 3 एथिल 3 मेथिल, और फिर कितने कार्बन है श्रृंखला है? 5, तो पेंटेन और 1 नंबर पर अल, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन और 1 नंबर पर अल। तो अगर इसको हम वैसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 3 एथिल 3 मेथिल और पेंटेनल, एक नंबर पर है तो पेंटेनल, ऐसे हम इसको कर देंगे। आइए अगला देखते हैं, यहाँ पर CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड इधर CHO और इधर CH2CH3, काउंटिंग कहाँ से करेंगे? CHO से, तो 1, 2, 3 और 4, इधर जाते 2, 3, 4, इधर भी जा सकते थे इधर भी। अब देखेंगे दो नंबर पे क्या लगा है? C2H5 यानी एथिल लगा है, तो दो नंबर पर एथिल, तो लिखेंगे 2 एथिल 2 एथिल। इसके बाद कितने कार्बन श्रृंखला में है? 4, तो ब्यूटेन और 1 नंबर पर अल लगा है, ये हुआ 3 2 एथिल ब्यूटेन 1 अल, इंग्लिश में लिखेंगे तो 2 एथिल ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन 1 अल ना लिखना चाहे तो ब्यूटेनल सीधा लिख देंगे। आइए ये देखते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचवा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर CH3 इधर भी CHO,
हमें दिखा सी एच ओ, यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 4, इधर जाते तो 3 तक जाते, इधर जाते 3 तक, लेकिन इधर जाते तो 4 तक पहुँच गए। बड़ी से बड़ी श्रृंखला लेनी है। दो नंबर पर देखो, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, तो दो नंबर पर दो बार मेथिल लगा है, तो 2 कामा 2, फिर डाई 2 कामा 2 डाई, और क्या है मेथिल, डाई मेथिल, इसके बाद में कितनी श्रृंखला में है 4, तो ब्यूटेन, एक नंबर पे वो अल लगा है तो ब्यूटेनल, ठीक। तो 2,2-डाई-मेथिल-ब्यूटेनल, हिंदी में लिखेंगे 2,2-डाई 2,2-डाई-मेथिल और ब्यूटेनल, या ब्यूटेन 1-अल या ब्यूटेनल। यहाँ देखते हैं अगला, देखेंगे सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सी एच ओ सी थ्री सी एच ओ दिखा, यहीं से काउंटिंग 1 2 3 4, और चाहे इधर चले आए 5, नीचे चाहे इधर 5, तो यहाँ पे देखेंगे दो नंबर पे मेथिल और 4 नंबर पे मेथिल, तो यहाँ लिखेंगे इसका भी पेशी नाम, तो कैसे लिखेंगे, दो नंबर पे भी मेथिल 4 नंबर पे मेथिल, तो लिखेंगे 2,2,2,4 डाई मेथिल, 2,4 डाई मेथिल, 2 पर भी और 4 पर भी, और दोनों पर मेथिल, इसलिए 2,4 डाई मेथिल। अब कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं 5, तो 5 के लिए आएगा पेंटेन, और पेंटेन और एक नंबर पे अल, तो पेंटेनल, ये हो गया। इंग्लिश में लिखेंगे यही चीज, तो 2,4 डाई मेथिल और पेंटेनल, ये हो गया। आइए देखते हैं सातवां, सी एच ओ सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक नंबर है 1 2 3 4 5, तो देखेंगे तीन नंबर पे मेथिल लगा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मेथिल, और इसके बाद में 1 2 3 4 5 पेंटेन पेंटेन, और एक नंबर पे अल, तो पेंटेनल। इंग्लिश में लिखेंगे तो 3 मेथिल 3 मेथिल पेंटेन, 1 अल लिखें या पेंटेनल सीधे लिख देंगे। देखते हैं एक लास्ट बचा है, उसको भी देख लेते हैं। यह आठवां देखते हैं, इसमें सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, और यहाँ सी एच थ्री लगा हुआ है। हम काउंटिंग सदैव सी एच ओ ग्रुप की तरफ से करेंगे 1 2 3 और इधर 4, तो दो नंबर पे मिथिल 3 नंबर पे मिथिल, तो यहाँ लिखेंगे 2,3 डाई मेथिल, दो बार कोई चीज आएगी तो डाई, तीन बार तो ट्राई मेथिल, और फिर कितने हैं कार्बन श्रृंखला में 4, तो ब्यूटेन, और 1 नंबर पे अल, तो ब्यूटेनल। तो आशा करते हैं वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।